गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं का पाठ 19 पढ़ने वाले हैं। पाठ 19 का नाम है शहीद बकरी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है, हरे भरे पहाड़ पर बकरियाँ चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती थी। है ना, यहाँ पे बता रहे हैं कि हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती थी तो हर दूसरे और तीसरे दिन में एक बकरी जो है वो बकरी कम हो जाती थी। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया। है ना, क्योंकि जो बकरियां होती थी उसको भेड़िया जो है वो ले जाता था, खा देता था, इस वजह से चरवाहे ने वहाँ पर बकरियाँ चराना बंद कर दिया। बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करना श्रेष्ठ समझा, लेकिन न जाने क्यों एक युवा बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। है ना, यहाँ पे बकरियाँ जो है मौत के डर से वहाँ पे रहना, कैद में रहना श्रेष्ठ समझा, लेकिन उनमें से एक बकरी जो है उसको बंधन जो है पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूँ कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नज़रों से पहाड़ की ओर देखते रहती है। ना, अब वो जो बकरी थी वो बंधन में नहीं रहना चाहती थी और सोचती थी कि कैद में रहकर या यहाँ पे रहकर कितने दिन अपने प्राणों की रक्षा कर सकती हूँ। है ना, बहुत ही हसरत भरी नज़रों से पहाड़ों की ओर देखा करती थी। साथियों ने उसे आँखों ही आँखों में समझाने का प्रयत्न किया, वह ऐसी मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। है ना, भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। है ना, उसके साथ में रहने वाले और बकरियों ने उसे समझाया, किंतु वह समझने के लिए तैयार नहीं थी। है ना, वह सोचती थी कि कभी न कभी जो भेड़िया है वो हम लोग को खाने के लिए नीचे आ जाएगी, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है, उसका खून हमारा खून उसके मुंह लग चुका है। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह छटपटाता है यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती होती गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती फांदती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए को देखने के लिए उसे उत्सुकता भी बनी रही। है ना बच्चों, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन वह मौका पाकर क्या करी, वहाँ से बाड़े से निकल गई और स्वच्छंद विचरती हुई कूदती फांदती वहाँ पर चढ़ती रही, लेकिन उसके मन में उस भेड़िए को देखने की भी उत्सुकता थी, परंतु उसके दर्शन न हुए। छुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आँखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चालों से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुरा कर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती, मुझे तुम्हारे जैसे साथनी की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था, आओ तनिक साथ पर्वतराज की सैर करें। है ना, अब भेड़िया जो है वो आता हुआ नजर आया तो भेड़िया मुस्कुराकर बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, है ना, तुम मेरी दोस्त बन जाओ, कई रोज से मैं अकेला महसूस करता हूँ, चलो हम लोग दोनों पर्वत की सैर करें। है ना, लेकिन जो बकरी थी ना बच्चों वो ये इसके इशारे को समझ चुकी थी, जान चुकी थी। ठीक है, बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। है ना, बकरी जो है वो उसके इन बातों को सुनना नहीं चाहती थी। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका।
यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गिर गया होता, है ना। अब बकरी ने इतने तेज से उसको टक्कर मारी कि भेड़िया जो है वो गिर गया, लेकिन सामने में पत्थर आया जिसकी वजह से वह बच गया, है ना। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह कर्तव्य मूढ़ी सा हो गया। टक्कर खाकर अभी अभी वह संभल भी न पाया कि बकरी के पैने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। छत विछत सीने से लहू की बहती धार देखकर भेड़िए के पांव उखड़ गए। मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ नहीं जचा, है ना। अब यहाँ पे बकरी जो है वो भेड़िए पर हमला करती गई और अपने सींग से जोर से उसको मारे, जिसकी वजह से भेड़िया लहूलुहान हो गया। लेकिन जो भेड़िया है वो सोचने लगा कि मैं इस बकरी से अगर भाग खड़ा होऊंगा तो मतलब वो नहीं चाहता था वहाँ से भागना कि लोग क्या सोचेंगे कि एक भेड़िया एक बकरी से डरकर भाग गई, है ना। वह भी साहस बटोर कर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह त कतरा कर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त में से टकरा कर लहूलुहान हो गया, है ना। अब भेड़िया वापस उठकर बकरी पर हमला करती है तो भेड़िया बकरी जो है सावधान थी और वह हट गई तो भेड़िए का सिर वापस लग गया, जिससे वजह से लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई, है ना। अब यहाँ पे भेड़िए से मुकाबला करते करते क्या हो गई, बकरी शहीद हो गई, है ना। मतलब बकरी मर गई क्योंकि वो अकेले उस भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके मन में था कि मैंने जो मेरे जो अरमान थे, मेरी जो लालसा थी, उसको मैंने पूरा कर लिया। पेड़ पर बैठे वे तोते ने मुस्कुरा कर मैना से पूछा, है ना, मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़ कर भला बकरी को क्या मिला, है ना। अब यहाँ पे तोते ने मैना से पूछा कि भेड़िए से भिड़ कर बकरी को क्या मिला। मैना ने सगर्व उत्तर दिया, है ना। मतलब मैना जो है गर्व से उत्तर देती है, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है ना। अब वो बताती है कि बकरी मरी जरूर है लेकिन भेड़िए को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित न रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। वार किया, काश बकरी की अन्य साथीनों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, है ना। छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती, है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर उस बकरी के साथ जो साथी लोग हैं उन लोग उसकी बात मान लेते और एक साथ हमला करते तो आज वे कैदी के रूप में बाड़े में नहीं रहती और वो भी पहाड़ों पर स्वच्छंद होकर घूमती। तोता अपना समूह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा, है ना। तो आशा करती हूँ बच्चों कि यह पाठ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, इसको मैं आप लोगों को आगे लिखवाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।